सो हे एवरी वन, वेलकम बैक टू द चैनल. आई होप यू गाइज ऑल आर वेल. सो अभी जो टाइम हो रहा है, आई एम गोइंग टू शो यू. अभी जस्ट मेरी आँख खुली है एंड आज मुझे शिखा को भी उठाना है. शिखा अभी UPSC की प्रिपरेशन करने दिल्ली शिफ्ट हुई है एंड शी इज़ वन ऑफ माई रिलेटिव. एंड टाइम हो रहा है गाइज अभी 3:20 एंड वो यहाँ पर सोई हुई है. तो पहले जल्दी से चलते हैं और उसको उठाते हैं और उसके बाद करते हैं अपने दिन की शुरुआत, क्योंकि आज इसका फर्स्ट डे है. ऑल राइट, सो अभी तो वो नहीं उठी है, तब तक मुझे होना है फ्रेशन अप एंड ब्रश करके उसके बाद आपसे मिलते हैं. और हाँ, कल रात मैंने डिनर नहीं किया था तो मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है. एंड पहले तो ब्रश करते हैं, ये सब करके फिर चलते हैं खाने और फिर बैठेंगे पढ़ने. सो यहाँ पर मैंने फ्रिज खोल के देखा तो कुछ नहीं था, और खाने के नाम पर कुछ रखा था वो था खीरा. तो मैंने खीरे को छीलना शुरू किया, तो मैंने जल्दी से एक खीरा काटा और फिर उस पर उसको काट के उस पर लगाया नमक. और अब इसको रेडी करके खाते हैं. मुझे लग रहा है इससे भूख नहीं मिटेगी, तो भी देखते हैं क्या सीन है. तो इससे कुछ नहीं हुआ, फिर मैंने दूसरा खीरा उठाया और फिर इसको काटना शुरू कर दिया. तो 2-3 खीरे खा के मेरे पेट को फाइनली पड़ गया चैन और अब चलते हैं सीधा पढ़ने. एंड आई थिंक शिखा भी उठ गई है, उसकी आवाज़ आ रही है. वैसे उसका जो निक नेम है वो शिशि मानो है, तो आप यहाँ पे शिशि मानो बुला सकते हैं. वो घड़ी में बज रहे हैं 3:40 ऑलरेडी हो गए एंड 20 लगे सारी चीज़ें करने में. सो सुबह में बस इतना सा टाइम लगता है. सो यहाँ पर सेटअप हो चुका है एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई फर्स्ट स्लॉट विद न्यू UPSC एस्पिरेंट. एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिवाइज दिस इकोनॉमी एंड आई विल ऑल्सो हेल्प हर बिकॉज आज उसका पहला दिन है. सो चलिए देखते हैं कैसा रहता है UPSC एस्पिरेंट का फर्स्ट डे. सो इन आर फर्स्ट लॉट शी वॉज रीडिंग इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स का जो बेसिक है फ्रॉम ल्यूसेंट बुक. एंड आई थिंक ये वाला बुक काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है जब आप बेसिक करते हो. एंड आई वॉज रिवाइजिंग फ्रॉम अपडेटेड मटेरियल ऑफ इकोनॉमिक्स. तो जल्दी से फिनिश करते हैं ये वाला स्लॉट एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी प्रोडक्टिव आई होप. यहाँ पर शिखा ने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था जो नरेगा स्कीम्स है उसके रिलेटेड. एंड फिर हमने डिस्कस करना शुरू किया क्योंकि मेरे जो अपडेटेड मटेरियल था उसमें भी था एंड मुझे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो रही थी. बेसिक्स जो भी चीज़ें थी लाइक GDP क्या होता है एंड मतलब जितने भी बेसिक हैं इन चीज़ों को आपको रिवाइज़ करना पड़ता है. सो इस तरीके से मेरा रिविज़न भी होता है एंड हियर वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ ग्रेट थिंग्स टुगेदर. और पढ़ाई में मतलब साथ में पढ़ाई करते हैं तो मज़ा भी आता है और चीज़ें याद भी रहती हैं क्योंकि वो मुझसे कुछ पूछ ले रही थी. तो इस तरीके से सारा अच्छे से चल रहा था सेटअप एंड अभी मैंने इसको सारा समझा दिया. फिर उसके बाद क्योंकि जब आपका पहला दिन होता है तैयारी का तो यार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं एंड फर्स्ट डे में तो बहुत ज़्यादा गूगल करना पड़ता है चीज़ों को. सो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं. ये वाला स्लॉट जो होने वाला है वो 3 अप्रॉक्स चलेगा. सो हे एवरीवन, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:30 एंड 7:30 मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग गई क्योंकि एक तो रात कुछ नहीं खाया था एंड सुबह उठ के भी बस खीरा खाया था. सो हमने सोचा हैवी ब्रेकफास्ट करते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से कर पाएँ. तो मैंने तो अपने लिए रोटियां से की, आटा मैंने मल दिया था और सब्जी बना रही है शिखा एंड पराठे मैंने बना दिए थे. तो इस तरीके से हमने ब्रेकफास्ट बना लिया अपना. और ब्रेकफास्ट में जो सब्जी बनाई थी वो थी ये बीन्स की सब्जी एंड यस. तो जल्दी से करते हैं ब्रेकफास्ट एंड उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट स्लॉट जो होगा न्यूज़पेपर का. एंड उसका न्यूज़पेपर का पहला दिन है शिखा का, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है. सो देखते हैं कैसा रहता है. सो ब्रेकफास्ट में मैंने आज दही भी इंक्लूड किया है एंड काफ़ी हेल्दी भी रहती है. सो जब तक मैं ब्रेकफास्ट करूँ आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. UPSC प्रिपरेशन को ईजी बनाने के लिए फिजिक्स वाला अगेन लेकर आया है UPSC संकल्प 4.0 अ न्यू बैच एंड दिस इज गोइंग टू बी अ फाउंडेशन बैच फॉर 2024. तो संकल्प जो है वो एक इंग्लिश में बैच है एंड इसके लिए आपको सिर्फ 9,999 पे करना है फुल कोर्स के लिए. एंड हिंदी में भी ये कोर्स अवेलेबल है, प्लस सी सेट को इसमें इंक्लूड किया गया है एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट. मतलब GS प्री प्लस मेंस के साथ आपको सी सेट फ्री में मिल जाता है. नाउ विल टॉक अबाउट स्टडी मटीरियल. तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से स्टडी मटीरियल मिल रहा है, जैसे संपूर्णा जो एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, मंथन जो एक मंथली मैगजीन है, उड़ान जो एक क्विक रिविजन बुकलेट है, एंड उड़ान 500 जो पिछले 1.5 का करंट अफेयर को इजीली रिवाइज कराता है. एंड इसके अलावा इनके बहुत सारे बैचेस हैं जैसे टाइटन 2.0. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, लिंक डिस्क्रिप्शन में. एंड यस, इफ यू विल यूज माय कोड आपको 500 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा. एवरी डिटेल इज इन डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक ऑल द डिटेल्स. सो गाइज, आज का न्यूज़पेपर भी आ गया एंड अभी करते हैं न्यूज़पेपर दोनों साथ में कर देंगे क्योंकि अभी हम एक ही न्यूज़पेपर लगा रखा है एंड रिक्वायर हुआ तो ही सेकेंड न्यूज़पेपर लेंगे, वरना एक बार में वो पढ़ लेगी एक बार में मैं. तो इस तरीके से हम
हाफ हाफ कर लेंगे। और ऐसे जो है प्राइस भी कम पड़ेगा क्योंकि द हिंदू काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव आता है 12 रुपीज़ का, एंड वहीं हम बात करें इंडियन एक्सप्रेस की तो वो 7-8 रुपये का आ जाता है। तो हम हाफ हाफ शेयर कर लेंगे एंड सही भी पड़ जाएगी कॉस्ट दोनों को। तो हे गाइस, आज मेरा पहला दिन है, आज हम करने वाले हैं न्यूज़पेपर द हिंदू, और मुझे पता है मुझे नहीं आएगा कुछ समझ, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे हमारे फ़ोन की हेल्प से, गूगल बाबा। सो आइए फट के। तो जैसे कि मैंने आपको बोला ही था कि मुझे कुछ समझ नहीं आने वाला है, तो मैंने खोली अपना फ़ोन और पढ़ने लगी एडिटोरियल। इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली और मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझने लगी थी। ऐसे ही मैं और आगे प्रैक्टिस करती जाऊंगी और मैं पढ़ना सीख जाऊंगी। तो शिशि मानो ने तो अपना न्यूज़पेपर कर लिया फर्स्ट डे, तो ऑब्वियसली इतना ज़्यादा क्लियर कट आइडिया नहीं लगता है न्यूज़पेपर रीडिंग करने का। सो मैंने उसको बोला था वीडियो देख लिए, सो प्रशांत सर का उसने वीडियो देख लिया एंड अब मेरी बारी है न्यूज़पेपर करने की, क्योंकि हम दोनों को एक ही न्यूज़पेपर से काम चलाना है एंड पैसे सेव करने हैं। यही स्टूडेंट्स की पहचान होती है कि हर हाल में पैसे सेव करने हैं। तो जल्दी से फिनिश करते हैं अपना ये वाला स्लॉट एंड बस मिलते हैं फिनिश करके। सो आज के जो न्यूज़ है उसमें कुछ मैप के क्वेश्चन भी आए, जैसे कि मैंने भी वीडियोस में देख ही लिया था, तो साथ साथ मेरी भी हेल्प हो गई। सो द लोकेशन ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सो गाइज जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है नेल पेंट लग रही है। फर्स्ट डे है तो उतना लोड नहीं है, तो आराम से लगा सकती है, फिर इसको ये देखने को भी नहीं नसीब होने वाली है मुझे ऐसा लग रहा है। हे गाइस, तो सेकंड स्लॉट होने वाला है हमारा लूसेंट का इकोलॉजी एनवायरनमेंट, ये हिंदी की है क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो पढ़ते हैं चलो। सो फ्रेंड्स, ये वाली जो बुक है वो मैंने शिका को दी है क्योंकि ये पढ़ रही थी किसी और बुक से, तो मैंने कहा कि इसमें अच्छा है वैसे वो वाली बुक भी पढ़ लेना, क्योंकि जैसे कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कोई भी एक्ट हुआ, कोई भी जैसे प्रोटोकॉल्स हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आपने देखा होगा बनते ही हैं, एंड जितने भी जोन्स हैं, इको सेंसिटिव जोन्स है, वेस्टर्न हिमालयाज, वो सॉरी वेस्टर्न घाट है, तो यहाँ से क्वेश्चंस निकल जाते हैं आराम से। एंड तो मुझे लगा ये वाली बुक अच्छी भी, एंड इसमें लास्ट ईयर में जो जो चीज़ें पूछी गई हैं वो भी है, सो काफ़ी अच्छे से हेल्प करा देती है ये वाली बुक हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 3 बच्चों के ऑलरेडी, एंड मुझे इतनी तेज भूख लग रही थी ना इस वाले स्लॉट में, बस मैंने जैसे तैसे करके ये वाला टास्क कंप्लीट किया एंड उसके बाद मुझे सीधा जाना है, मतलब फिनिश करते मुझे जाना है किचन में। बट हम जैसे ही बीच में पढ़ रहे थे तभी एक भैया का कॉल आया कि आपका सिलेंडर बुक किया था आपने वो आ गया, तो जो ऑनर है उन्होंने ही बुक कर दिया था। मैंने उनको बोला था कि हमको मतलब ऐसा टाइम नहीं मिलता है, सो अभी लेते हैं सिलेंडर की डिलीवरी एंड फिर खाते हैं। सो ये शिशि मानू पहलवान उधर से उठा के लाती है खाली वाला सिलेंडर, जो कितने का हुआ, सो 1103 रुपये का ये सिलेंडर पड़ा है ना, हमने अभी मंगा के रख लिया क्योंकि एग्जाम टाइम में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बीच में कुछ हो गया ना फिर इसको क्योंकि थर्ड फ्लोर पे है घर एंड हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, उसको अगर ख़त्म हो गया तो भैया ये तो बहुत तगड़ा रिस्क हो जाएगा, तो हमने ऐसे मंगा लिया, उसको रख देते अब साइड करके, क्योंकि कभी अगर बाई चांस ऐसा हुआ ख़त्म हो गई अचानक से तो हमें पेपर में परेशान नहीं होना पड़ेगा, तो इसको रखते हैं फिर चलते हैं किचन। क्या बना रही है शिशि मानू? सैंडविच। सो हम खाएंगे अब सैंडविच क्योंकि हमें लग चुकी है बहुत जोर की भूख। खीरा कट रही है। ओके। हेल्दी तो मुझे पता है कितना है। ब्राउन ब्रेड है। सो यहाँ पर बन रहा है अपना नॉर्मल सा देसी सैंडविच, ये रखा टमाटर पे रखा खीरा हम लेकर आए थे 15 रुपए किलो, टमाटर हम लेकर आए थे 30 रुपए किलो, हिंदी में बोल लेते हैं 30 रुपए किलो, जो हमें मिला 25 का क्योंकि हम मोल भाव भी सीख गए हैं, इसके ऊपर रखेंगे ये मस्त नहीं ब्रेड एंड हो गया। तेरी नई लूसेंट कहाँ है?
तो सैंडविच खाने के बाद हमने फिर से स्टार्ट कर दिया अपना नया स्लॉट, न्यू स्लॉट. सो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा. एंड कुछ ऐसा ही होता है यूपीएससी एस्पिरेंट का फर्स्ट डे, कुछ समझ नहीं आता है और चीज़ें करने को बहुत सारी होती है. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नई वीडियो के साथ. सो आज मेरी भी पहले वाली दिन की यादें ताज़ा हो गई एंड आई होप आपने भी काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया होगा. सो काफ़ी सारे लोगों ने रिलेट भी किया होगा जो भी जस्ट एग्जाम प्रिपरेशन में उतरे हैं. एंड सो ऑल द बेस्ट, क्योंकि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आती है स्टार्टिंग में एंड आई होप आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा. सो आज का व्लॉग बस इतना ही रखते हैं. आपने अगर इंजॉय किया व्लॉग सो हम कंटिन्यू करेंगे इस टाइप के व्लॉग. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट. एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो.